बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैटीज़ किचन में आज मैं चना दाल चिकन बना रही हूँ। चना दाल चिकन को मुख्तलिफ तरीके से पकाने की और रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चलिए देखते हैं कि हमें किन अशिया की ज़रूरत है। चने की दाल 1 कप, चिकन 1/2 kg है, लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 1 टीस्पून है, नमक सुरख मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ये तीनों 1.5 टीस्पून है, हल्दी, लाल साबुत कुटी मिर्च ये 1/2 टीस्पून है, जीरा और गरम मसाला पाउडर ये 1-1 टीस्पून है और 2 बड़ी इलायची, प्याज आप 2 अदद मीडियम लेंगे और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। चने की दाल को आप प्याले में डालें और इसको आप अच्छी तरह से धो लीजिए 2-3 पानी के साथ और इसको आधा घंटा के लिए आप भिगो के रख दीजिए। प्याज को आपने बहुत बारीक काटना है क्योंकि इसके साथ मैंने दाल को बघारना है, बिल्कुल इसको आपने बारीक बारीक काटना है। मैं ये दाल प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें आपको सहूलत है बनाएं। चिकन डालें, 2 ग्लास आपने पानी डालना है और इसके साथ आप दाल डाल दीजिए। इसके साथ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट आप डाल दीजिए। मैं इन 3 चीजों को इकट्ठा बना के रखती हूँ, उनका पेस्ट, सारे मसाले डालें आप और इन सबको आप अच्छी तरह मिला दें। प्रेशर का ढक्कन लगाएं। अब आपने जब इसमें से स्टीम निकलनी है उस वक्त आपने विसल रखनी है और जब पहली विसल स्टार्ट होगी तो उसके बाद 3 मिनट का टाइम आपने काउंट करना है। 3 मिनट के बाद आपने एकदम से प्रेशर को नहीं खोलना है, आपने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद जब सारी स्टीम निकल जाए तो आप उसको खोलें, दाल को मिलाएं अच्छी तरह से। अब आपने एक पैन में कुकिंग ऑयल डालना है अपनी पसंद के मुताबिक, जितना आप पसंद करते हैं, और जो प्याज है उसको आपने लाइट ब्राउन करना है। दाल को मैंने एक प्याले में निकाल लिया है और प्याज तकरीबन हो चली है, इसमें मैं जीरा और गरम मसाला डाल के चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ है। अब मैं इससे इसको बघार दूंगी। बाकी का ऑयल और वो जो प्याज है आप प्रेशर में वापस डाल सकते हैं, आप अपनी पसंद से डालें जितना ऑयल आपको पसंद है। दाल तैयार है, चना दाल गोश्त। अब आप इसको अपनी पसंद के मुताबिक रोटी या चावल जैसे आप पसंद करते हैं उस तरह से खाएं। मैं तो इसको चावल के साथ, सलाद और अचार के साथ खा रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।